जा रहे हैं गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद, उसके लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी चीनी और एक कटोरी देसी घी। इसकी नाप ऐसे ही रखनी है और दो कटोरी पानी। तो सबसे पहले हम आटा भूनना शुरू करते हैं। अब हम ले लेते हैं एक बड़े साइज की कढ़ाई और थोड़ा मोटे तले की। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये एक कटोरी घी। घी हम पूरा डाल देंगे, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है तभी इसमें स्वाद वाला आता है। ये देखिए अच्छे से। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये आटा पूरा, और इसे अब हम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं। इसे तेज आंच पे नहीं भूनेंगे, लो फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से। तो मैं इसे भून लेती हूँ, लगभग इसे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे भूनने में, पर लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। अब ये देखिए लो फ्लेम पे इस तरह से हमारा आटा अच्छे से भुन रहा है। वैसे तो अगर इसके लिए ना थोड़ा सा मोटा आटा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर मैं आज नॉर्मल जो घर में आटा रहता है उसी से बना रही हूँ और उसी से बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से, बस इसे मैं लो फ्लेम पे ही भूनूंगी। आप भी ध्यान रखें, लो फ्लेम पे जितना भूनेंगे उतनी अच्छी आटे की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी निकल के आएगी और बहुत टेस्टी प्रसाद बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से मैं लो फ्लेम पे इसे भून लेती हूँ। अब ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये हमारा कितने अच्छे से आटा भून चुका है। और इसकी यही पहचान है कि ये पूरा घी छोड़ दिया है इसने और ये आटा नीचे बैठ गया है, बिल्कुल परफेक्ट भून के तैयार हुआ है। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो इसमें ना थोड़ी सी जलने जैसी महक आने लगेगी। अब हम क्या है इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने एक कटोरी आटा लिया है तो इसमें मैं दो कटोरी, जिस कटोरी से आटा लिया था उसी कटोरी से दो कटोरी मैं इसमें डालूंगी पानी, धीरे से इस तरह से मिक्स करते हुए। और एक कटोरी चीनी और अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं। हम इसे हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे जिससे कि इसमें गांठ ना पड़े, और अच्छे से हमें पकाना है जब तक कि ये हमारा हलवा घी ना छोड़ दे। और इसमें अच्छे से चला लेंगे क्योंकि आटा है तो एकदम से गुठली पड़ने का डर लगता है, तो इस तरह से चलाते हुए सब निकल जाएंगी। बस लो फ्लेम पे हमें अच्छे से भूनना है इसे और ये अच्छे से पकाना है। बिल्कुल घी छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब हमारा प्रसाद अच्छे से बन के तैयार हो गया। और ये देखिए इसमें गांठें भी निकलनी शुरू हो गई हैं, तो मैं इसी तरह से इसे पका लेती हूँ। देखिए इसमें एक भी आपको लग नहीं रहा होगा आटे की जो गांठ सी रहती ना वो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अगर आप मेरी तरह सेम बनाएंगे, सेम तरीके से बनाएंगे तो एक भी गांठ इसमें नहीं पड़ेगी। बस इसमें क्या है पानी डालने के बाद आप इसे लगातार बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे तो जो भी आटे की वो गांठ सी होगी वो सब घुल जाएगी। और इस तरह से अच्छे से चलाते रहें, और इसे बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है पर जब बन के तैयार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए बस दो तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक तो इसकी नाप का ध्यान रखना है और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि इसे चलाते रहना है लगातार। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से 2 चम्मच देसी घी, इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। और अब हम इसे लो फ्लेम पे लगभग 10 से 15 मिनट अच्छे से चलाते हुए पका लेते हैं जिससे कि इसका जो कहते हैं ना गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद मिला है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। बस इसी तरह से मैं चलाती रहूँगी और इसे अच्छे से काट लूँगी। देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और 2-3 इसके केसर के धागे, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसी तरह से इसे पका लेते हैं। अभी इसे 5 मिनट और लगेंगे, जब ये घी छोड़ने लगे ना तब तक इसे पकाना है हमें। अब ये देखिए इसे पकते हुए कितना टाइम हो गया और ये आपको दिख रहा होगा घी भी छोड़ने लगा है अच्छे से। बस 1 से 2 मिनट और हमें इसे इसी तरह से पकाना है, फिर हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं मन है तो बिल्कुल भी ना डालें, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत अच्छा लगता है। बस हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट, अब ये देखें कढ़ाई छोड़ने लगा है अच्छे से, आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है इसमें। अब ये देखिए
हमारा ये हलवा वो घी छोड़ने लगा, आपको लग रहा होगा ना चारों तरफ से। अब इसको कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा। आप पास से देखिए शाइनिंग कितनी अच्छी है इसके ऊपर, बिल्कुल बनके बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आज मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाले, जैसे हम गुरुद्वारे में खाते हैं ना सेम वैसा ही बनाया। ये देखिए बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसे भूनने में, धीरे धीरे भूनता है। अगर ऐसे बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट नाप से बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमारा गुरुद्वारे में मिलने वाला काह प्रसाद बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी या मेरा बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।